तो दोस्तों यहाँ से 12 किलोमीटर बागेश्वर है और हम जा रहे हैं बागेश्वर की ओर और आपको दिखाएंगे हम, और आप देख सकते हैं हम मेरे पीछे नंदा देवी चोटी आपको हिमालय श्रृंखला दिखाई देती है जो कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ती है। तो आप देख सकते हैं बागेश्वर का विहंगम दृश्य, जो घाटी कितना सुंदर है। थोड़ी देर में हम बागेश्वर जाएंगे और आपको दिखाएंगे, और आप देख सकते हैं कितना सुंदर व्यूज मेरे पीछे यहाँ। दोस्तों नमस्कार, तो आज हम हैं बागेश्वर में और कल रात हम पर्यटक आवास ग्रह, आप जैसे देख सकते हैं हमारे पीछे यहीं पर ठहरे हुए थे, और अब हम जा रहे हैं उत्तरायणी कोती जो जहां पर लगता है, और बागनाथ मंदिर पे दर्शन कराएंगे आपको और ले चलते हैं मंदिर की ओर, दिखाते हैं आपको मंदिर। तो दोस्तों अब हम हो गए तैयार और चलते हैं मंदिर की ओर, और आपको पॉइंट टू पॉइंट व्यूज़ दिखाते रहेंगे। और आप देख जैसे देख सकते हैं और बहुत बढ़िया सुंदर यहाँ पर एक मेरे पीछे हिमालय ट्रैकिंग का साइन बोर्ड लगा हुआ है, और खूबसूरत व्यूज बागेश्वर का, और जैसे बाकी मिलता है हम आपको दिखाते रहते हैं व्यूज, और चलते हैं हम मार्केट की ओर। तो हम देख सकते हैं आप पैदल पैदल जा रहे हैं, और यहाँ का अभी मार्केट उतना खुला नहीं क्योंकि ठंडा है, तो बाज़ार जल्दी खुलता नहीं, और धीरे धीरे यहाँ धूप भी पड़ी है, इससे पहले काफ़ी कोहरा लगा हुआ था। देख सकते हैं मैं गोमती पुल के बीचों बीच में हूँ, और आप गोमती नदी देख सकते हैं मेरे पीछे, और यहाँ से इसका संगम नीचे पर जहाँ पर सरयू और गोमती का संगम होता है, वहाँ पर बागनाथ मंदिर स्थित है जहाँ पर पौराणिक ऐतिहासिक मेला लगता है, और मैं ले चलूँगा आपको क्या द्वार से मंदिर की ओर और ले चल। तो आप देख सकते हैं गोमती पुल, और गोमती पुल से जैसे सामने आप बागनाथ मंदिर द्वार आप देख सकते हैं, इसी से हम अंदर मंदिर के लिए प्रस्थान करेंगे। तो इस समय मैं मेन मार्केट के बीचों बीच में, और आप देख सकते हैं मेरे पीछे बागनाथ द्वार, और यहीं से मंदिर का जो मुख्य द्वार है। आप देख सकते हैं खूबसूरत सा यहाँ पर बाजार सजा हुआ है, और यहाँ महाशनिदेव मंदिर, हम सूर्यदेव के मंदिर के दर्शन करते हैं। सुबह सुबह का यह दृश्य आप देख सकते हैं, श्रद्धालु यहाँ पर ही आ और जा। देख सकते हैं आप सरयू नदी का संगम यहाँ पर, सरयू और गोमती नदी का, और खूबसूरत सा दृश्य यहाँ पर उत्तरायणी मेला जो हमारे सामने है इसी जगह पर लगता हुआ है। इस बार कोरोना के चलते यहाँ पर मेला नहीं लगा, और काफ़ी श्रद्धालु आ रखे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर स्नान भी हो रहा है, और भोलेनाथ की बहुत सुंदर मूर्ति मेरे पीछे आप जैसे देख सकते हैं, और ये सरयू नदी और गोमती का पवित्र संगम है, यहाँ आप डुबकी लगा सकते हैं। और मैं ले जाऊंगा आपको अभी बागनाथ मंदिर पर, सारी चीज़ें दिखाऊंगा आपको, पूजा पाठ कर्म कांड यहाँ पे, और तो ले चलता हूँ मैं आगे। पा रहे होंगे बागनाथ मंदिर मेरे जस्ट सामने, और कितना खूबसूरत गर्भगृह और मेन मंदिर भी यहीं पे है आप देख सकते हैं, और जो मोक्ष धाम जहाँ अंत्येष्टि की जाती है पंचतत्व में लोग विलीन जब होते हैं तो उनका इसी जगह होते हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पर, और मिलते बताते रहता हूँ मुख्य मुख्य जगहों पर, और आपको मैं ले जाऊँगा नुमाइश खेत, यहाँ पर बहुत बड़ा ग्राउंड है जो फेमस भी है, यहाँ मेला लगता है, तो मैं आपको नुमाइश खेत का जरूर दिखाऊंगा। तो दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं मैं मुख्य द्वार पर पहुँच चुका हूँ, और मैं बाबा बागनाथ के दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ, और ले चलता हूँ आपको मंदिर की ओर। तो आप देख सकते हैं जैसे बागनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर आप
देख सकते हैं भगवान साक्षात बागनाथ के दर्शन। तो दोस्तों मैं जा रहा हूँ गर्भगृह जो मुख्य द्वार है, मुख्य द्वार की ओर। आप देख सकते हैं काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पूजा पाठ कर रहे हैं और मैं भी पूजा पाठ करूँगा अभी। आप देख सकते हैं वैसे भीड़ तो बहुत कम है क्योंकि कोरोना की वजह से लोग बाग कम आना हो रहा है। बागनाथ मंदिर का मुख्य द्वार और साक्षात भगवान शिव यहाँ विराजमान रहते हैं। अब हम आपको दिखाएंगे गर्भगृह और ले चलता हूँ आपको मंदिर की ओर। मंदिर में यहाँ पर पूजा पाठ अर्चना हो रही है और तमाम श्रद्धालु यहाँ आपके अपना मनोकामना पूर्ण होगी या सिद्ध होगी, आप लोगों की मनोकामना कौतिक का आनंद ले सकते थे, लेकिन इस बार कोरोना के चलते हो नहीं रहा तो ले चलता हूँ मैं आप।
के बाद हम भगवान भोलेनाथ से विदा लेते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।